सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली क्लास 10 रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया कि क्लास 10 का जब रिजल्ट जारी की जाएगी तो छात्रों के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों को सीबीएसई बोर्ड या स्कूल जो है उनको बराबर जो है दर्जा देंगे, उन्हें प्रॉपरली उसी तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे जिस तरीके से सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। पूरी ऑफिशियल अपडेट जानी है सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने यह ऑफिशियली क्लियर कर दिया कि क्लास 10 का रिजल्ट जारी करने से पहले सीबीएसई बोर्ड पूरे देश भर में सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को एक गाइडलाइंस देगी। कौन से वो गाइडलाइंस होगा, वो गाइडलाइंस के तहत क्लास 10 का रिजल्ट में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10 को रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट जो आज निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले जान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के जो जिला समन्वयक है विशाल त्रिपाठी ने क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर सबसे बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने सबसे पहली बातें तो ये क्लियर की है कि क्लास 10 के छात्रों को जो प्रमोट करने का सुझाव है पूरे देश भर के स्कूलों से ऑलरेडी मांगा जा चुका है। कई सारे स्कूलों ने जो है ऑलरेडी जो है क्लास 10 के मार्क्स को ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचा दिए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पूरी कंफर्म जो आपको क्लियर किया जिसमें छात्रों के जो है पूरी वार्षिक रिपोर्ट उनको जो है स्कूल भेज चुके हैं कि साल भर जो स्कूलों में जो जितने भी एग्जाम्स हुए थे, टेस्ट हुए थे, आपके असाइनमेंट थे, जितने भी आपके प्रोजेक्ट थे, सबके मार्क्स ऑलरेडी स्कूलों को भेजे जा चुके हैं, जिसके आधार पर बोर्ड जो है उन्हें नंबर देकर अगली क्लास में प्रमोट करेगा। पूरे देश भर में जो है प्रमोट करने का जो पूरी कंप्लीटली जो मार्क्स देना है वो स्कूल को ही देना है। स्कूल ही किसी भी छात्रों को जो मार्क्स देंगे 80% या 90% मार्क्स आएंगे उसमें सबसे बड़ा रोल स्कूल का होगा कि स्कूल किसी भी स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स देते हैं। इसमें जो बड़ी बातें हैं यहाँ पे वो जान लीजिए, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो मार्क्स मांगी गई है जो सभी को जो पूरी कंप्लीट 15 पॉइंट्स जो मांगे गए हैं कई सारे स्कूलों ने भेज दिए हैं, कई सारे स्कूल लगातार भेज रहे हैं। इन 15 पॉइंट्स में ये है कि छात्रों को जो उत्तीर्ण किया जाएगा किसी भी जो भी क्राइटेरिया द्वारा स्कूल में जो भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कई सारे स्कूलों में मिड टर्म एग्जाम्स नहीं हुए तो कहीं प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए, तो जो भी एग्जाम्स हुए उसके जो मार्क्स है पूरे स्कूल के बेसिस पे ही स्कूल ही देंगे। तो स्कूल जो भी मार्क्स देंगे, जो भी क्राइटेरिया अपनाएंगे छात्रों को मार्क्स देने के लिए 100 में से, उसमें किसी भी छात्रों के साथ अन्याय ना हो, ये बोर्ड बार बार जो है ये गाइडलाइंस में साफ साफ उन्होंने कहा है। और मार्क्स इस तरीके से दिया जाए जिससे बोर्ड की भी गर्मियां बरकरार रहे, ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट को 100-100 दे दिया जाएगा, यानी कि हर एक चीज को पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पे जो रिजल्ट को लेकर जो है इंटर असेसमेंट के मार्क्स आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस बार वही डिसाइड करेंगे कि आपके कितने फाइनल बनेंगे। वही थ्योरी के मार्क्स को लेकर पूरे देश भर में स्कूल जो है लगातार रिजल्ट को लेकर लगातार प्रिपेयर करने में लगे हुए, सीबीएसई बोर्ड गाइडलाइन जारी करेगी। इस तरीके से आपका रिजल्ट आता है क्लास 10 का, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 का रिजल्ट है, लेकिन इस तरीके से रिजल्ट जारी करेगी बोर्ड। लेकिन उससे पहले बोर्ड ने एक और सबसे बड़ी बात कह दी है, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि क्लास 10 का जो अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउट नॉट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटर पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। जब रिजल्ट जारी करेंगे लेकिन उससे पहले पूरे देश भर में एक गाइडलाइंस को तैयार करेगी, गाइडलाइंस को तहत ही रिजल्ट जारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश भर के स्कूलों से जो भी आपके डेटा एकत्रित कर रही है सीबीएसई बोर्ड अभी, उसके बाद उसको स्टडी करेगी क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर, जिस तरीके से जो जो स्कूल जो मार्क्स भेजेंगे छात्रों को उसके बाद स्टडी करके वो गाइडलाइंस तैयार करेगी। उसके बाद जो है इसमें गाइडलाइंस के तहत छात्रों को कितने मार्क्स देने हैं ये सीबीएसई बोर्ड तय करेगी, और इसी गाइडलाइंस के बाद ही देश के सभी स्कूल जो है क्लास 10 का रिजल्ट को घोषित करेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड बड़ी बात है, यहाँ पे ऑफिशियली सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर की है क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर जो है मार्क्स उनके डिसाइड होंगे, लेकिन उससे पहले गाइडलाइंस भी तैयार की जाएगी जो पूरे देश भर में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस के हर एक छात्रों को बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस ही तय करेगी कि छात्रों को कितने मार्क्स देंगे। ये बड़ी बातें हैं जो सीबीएसई बोर्ड कह रही है। और वहीं क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर जैसे कि है सीबीएसई बोर्ड एक अलग स्ट्रेटजी भी अपना रही है। सीबीएसई बोर्ड क्या कर रही है, जल्दी से रिजल्ट अपनाने के लिए पूरे देश भर में रिजल्ट को एक साथ जल्दी से जल्द जारी की जाए, इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने जिले वाइज जो है आपके स्कूलों को चुनना शुरू किया है। यानी कि स्कूलों को जो बात करें तो एक जिले में करीब 40,000 छात्र है, तो इस बेसिस पे वो पहले 40,000, 1,00,000 ऐसे करके वो पूरी कंप्लीटली रिजल्ट को पूरी कंप्लीट 18,00,000 छात्रों का रिजल्ट को प्रिपेयर करेगी। पूरे देश भर के हर एक स्कूलों से लगातार जो है रिपोर्ट स्कूलों को सीबीएसई
बोर्ड भेज रहे हैं। कई सारे स्कूल ऑलरेडी क्लास 10 के मार्क्स को सीबीएसई बोर्ड के पास अपलोड कर चुके हैं। छात्रों के मन में भी सवाल है कि हमें स्कूलों से कम मार्क्स नहीं मिले, इसको लेकर बोर्ड भी पूरी कोशिश कर रही है, यानी बोर्ड ने भी लगातार ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि क्लास 10 के किसी भी छात्रों के साथ मार्क्स में अन्याय नहीं किया जाएगा। यानी कि बात करें तो वो छात्रों का इस बार जो है एडवांटेज ज्यादा देखने को मिलेगा जो पूरी तरीके से बिलो एवरेज छात्र है, यानी कि बात करें एवरेज और बिलो एवरेज जो छात्र है उनको एडवांटेज देखने को मिलेगा। बोर्ड जो है यानी कि इंटर असेसमेंट में किसी भी छात्रों को 17, 18, 19 से कम मार्क्स जाने नहीं है, तो इससे उनका सीधा सीधा उनका रिजल्ट में अच्छे मार्क्स देखने को इस बार मिलेंगे। बोर्ड जो है ऑलरेडी आपके जो है प्रोजेक्ट असेसमेंट के मार्क्स जो लगातार स्कूलों से मांग रही है, लगातार स्कूल जो है रिपोर्ट भेज रहे हैं आपके बोर्ड को ताकि जल्द से जल्द आपके रिजल्ट को प्रिपेयर किया जा सके और विथ इन 15 मई से पहले रिजल्ट को जारी की जाए। और ये साफ हो चुका है रिजल्ट को लेकर रिजल्ट डेट में बिल्कुल डिले नहीं होने हुए। वही एक सवाल आपसे इस वीडियो में मैं पूछना चाहूंगा, आपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट को लेकर क्या आपने पूरी कंप्लीट किए हैं? क्योंकि कई सारे फैक्टर्स इस बार डिपेंड कर रहे हैं। इस बार जो छात्र जो है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को स्कूल में हल्के में लेते थे उनको जो है इस बार पूरी कंप्लीटली जो है उनका जो है उसका सबसे बड़ा डिफरेंट उनको रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। क्लास प्रॉपर अटेंड करने वाले छात्रों को ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड कह चुकी है क्लास प्रॉपर अटेंड जिन्होंने किया होगा उनको भी इस बार जो है काफी सारे एडवांटेज मिलेगा। आपने क्लास किस तरीके से अटेंड किए थे, आपका प्रोजेक्ट असेसमेंट को लेकर क्या आपने पूरी कंप्लीट किए थे, कई सारे हैं इसको लेकर नीचे कमेंट करिएगा। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, रिजल्ट को लेकर लगातार अपडेट्स पे बने हुए तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्लास 10 के रिगार्डिंग मैं आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। जय हिंद।